हेलो दोस्तों, मैं कुंदन क्रांति, आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक आई टी डिप्लोमा में आपका स्वागत करते हैं। तो जैसा कि हम लोग फिटर टेस्ट थ्योरी की क्लासेस देख रहे थे, तो इसमें आज का हमारा टॉपिक है ड्रिल। ड्रिल के बीट के बारे में देख लिए थे, ड्रिल में कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं और ड्रिल मशीन के प्रकार के बारे में देख लिए थे। आज हम देखने वाले कि ड्रिल का स्पीड किस किस आधार पर मतलब चयन किया जाता है। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले ड्रिल का गति के बारे में, यानी ड्रिलिंग ऑपरेशन में जो हम किस आधार पे हम कितना स्पीड रखेंगे ये देख लेते हैं। तो शुरू आइए हम देख लेते हैं। इसके बाद तो आते हैं ड्रिलिंग मशीन के गति का चयन करना, यानी गति हम किस आधार पे हम क्या कर सकते हैं, उसको चयन कर सकते हैं। अगर सॉफ्ट मेटल रहा तो गति स्पीड रखेंगे, हार्ड मेटल रहा तो गति क्या करेंगे हम कम रखेंगे। ठीक, या इसका कटिंग एंगल कम या ज़्यादा होता है। तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। तो जैसा कि पहले दिया गया कि धातु की कठोरता, सबसे पहले तो क्या होता है कि ड्रिलिंग ऑपरेशन जो किया जाता है तो पहले हमें यह चयन करना होता है कि धातु कैसा है। यानी अगर कठोर धातु होगा तो क्या करेंगे हम, स्पीड कम रखेंगे, और नरम धातु होगा तो स्पीड ज़्यादा होंगे। कुछ इसी प्रकार से क्या होता है, आप लोगों को पहले पिछले क्लास में हम लोग बता दिए थे कि कटिंग एंगल के बारे में क्या होता है। जब धातु अगर कठोर रहता है तो कटिंग एंगल क्या करना पड़ता है, हमें अधिक रखना होता है। ये कटिंग एंगल क्या रखना पड़ता है, अधिक रखना होता है। ठीक, अगर धातु क्या हो, नर्म रहा तो कटिंग एंगल क्या करना होगा, कम रखना होगा। ठीक, इसी प्रकार से तो हम देख लेते पहले धातु की कठोरता के बारे में। तो धातु की कठोरता यानी धातु क्या रहा, अगर धातु अधिक कठोर रहा, अगर अधिक कठोर रहा तो हम क्या करेंगे उसको स्पीड ड्रिल का स्पीड क्या करेंगे, कम रखेंगे। ठीक, अगर धातु क्या रहा, नर्म रहा, नर्म कहने का मतलब क्या कि ये सॉफ्ट रहा तो क्या हम रखेंगे इसको स्पीड अधिक रखेंगे। आप लोग इसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, आगे आता है हमारा ड्रिल का व्यास। अब इसमें क्या होता है कि ड्रिल का व्यास भी देखा जाता है कि अगर किस तरह मतलब किस डायमीटर का होल करना है, किस आधार पर। तो देखते हैं पहले व्यास के आधार पर, अगर हमें ड्रिल का होल, अगर होल हमारा क्या हो, बड़ा हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, बड़ा ड्रिल बिट का यूज करना होगा। अगर होल क्या हो, ड्रिल का ये समझ लीजिए कि ड्रिल का व्यास अधिक होगा तो स्पीड क्या करना होगा, हमें स्पीड कम रखना होगा। ठीक, अगर ड्रिल का क्या हो गया, ड्रिल का इस तरह से व्यास अधिक हो गया, व्यास अधिक यहाँ पे देखिएगा कम हो गया, यानी ड्रिल का व्यास क्या हो जाए, कम हो जाए, तो हम इसका क्या करेंगे, स्पीड को क्या करेंगे, अधिक रखेंगे ताकि क्या हो हमारा, उसमें जो क्या हो आसानी से वो घूम के क्या कर सके, हम कटिंग स्पीड अधिक रखेंगे ताकि उसमें ड्रिल क्या हो हमारा, टूट ना सके। ठीक है, आगे आते हैं हमारा होल की गहराई पे। होल की गहराई, अगर अधिक गहराई में हमें क्या करना हो, अधिक गहराई में अगर होल करना हो तो हमें क्या करना होगा, कटिंग स्पीड को कम रखेंगे। ये आप लोग ध्यान देते जाइए। अगर हमें कम गहराई में, कहने का अर्थ हुआ कि कम गहराई में अगर हमें क्या करना होगा, ड्रिलिंग करना होगा, तो उसका स्पीड हम क्या कर सकते हैं, अधिक रख सकते हैं। ठीक, इससे क्या होता है कि चिप्स आसानी से बाहर निकल जाए। अगर डीप में करना होता है तो क्या होता है, धीरे धीरे करते हैं, नहीं तो क्या होगा हमारा, उसमें चिप्स फंस जाएगा, जिसके कारण हमारा ड्रिल बिट ओवर हीट होने लगेगा। ठीक है, तो कम गहराई रहा तो हम क्या करेंगे, ड्रिल का स्पीड अधिक रख सकते हैं। पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि ड्रिल मशीन का गति, यानी उसमें क्या करना होगा, गति हमें किस तरह से रखना होगा। आगे आते हैं तो हम लोग देखते हैं कूलेंट की व्यवस्था के आधार पर। अगर कूलेंट हमारे पास रहा तो, अगर हमारे पास क्या रहा, कूलेंट है, यानी ये कह सकते हैं कि कूलेंट उपस्थित है, तो क्या कर सकते हैं जी, कूलेंट अगर रहा तो इस प्रकार से हम देखते हैं, कूलेंट अगर है तो हम क्या करेंगे, स्पीड अधिक रख सकते हैं। ठीक, अगर कूलेंट नहीं रहा, यानी कूलेंट हमारे पास क्या रहा, कूलेंट
अनुपस्थित रहा या नहीं रहा तो हम क्या करेंगे, स्पीड को क्या कर सकते हैं, स्पीड को कम रखेंगे ताकि क्या हो हमारा ड्रिल बिट ओवरहीट ना हो। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, पुलेट का काम क्या होता है कि ड्रिल बिट में जो कटिंग एज होता है उसको क्या करता है, वो ठंडा करके रखता है ताकि वो ओवरहीट ना हो, जिसके कारण क्या होगा हमारा ड्रिल बिट टूट जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं हमारा क्या है कि मशीन की दशा। अगर मशीन सही दशा में, दशा कहने का हुआ कि सही कंडीशन में है, कंडीशन कहने का ये हुआ कि उसका जो पार्ट पुर्जा वो सही तरह से काम कर रहा है, घिस ना गया हो या सही कंडीशन में, तो दशा के आधार पे अगर सही दशा में रहा तो हम क्या कर सकते हैं इसको स्पीड को, सही दशा में रहा तो स्पीड क्या कर सकते हैं हम अपनी इच्छा के अनुसार रख सकते हैं, इच्छा के अनुसार, या ये भी कह सकते हैं कि मेटल के अनुसार हम रख सकते हैं। ठीक है, अगर स्पीड, अगर दशा सही नहीं रहा तो हम स्पीड क्या कर सकते हैं इसमें, दशा अगर सही नहीं रहा तो स्पीड हम क्या करेंगे इसमें कम रखेंगे, कम रख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि ड्रिल मशीन का गति किस किस आधार पर क्या कर सकते हैं हम चेक कर सकते, मतलब चयन कर सकते हैं। पहले देखे थे कठोरता के आधार पर, तो कठोरता क्या होता, अगर अधिक रहा तो हमें स्पीड कम रखना होगा, अगर नरम रहा तो स्पीड अधिक रखना होगा। ठीक है, इस प्रकार से देख लिए हम ये लोग। अब आगे बढ़ते हैं ड्रिलिंग में, हमारा आगे आता है ड्रिलिंग मशीन का ऑपरेशन के बारे में। ड्रिल मशीन हम लोग पढ़ लिए थे, अब आगे हम लोग पढ़ने वाले इसके ऑपरेशन में। तो सबसे पहला हमारा ऑपरेशन क्या है कि ड्रिलिंग, ये तो ड्रिल बिट से हुआ हो ही जाता है, यानी क्या करते हैं हम इसको ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन कहने का चाहिए, इसमें क्या होता है आर पार भी होल कर सकते हैं और ब्लाइंड होल भी कर सकते हैं। ब्लाइंड होल आप लोग नाम सुन रहे होंगे, तो बी ब्लाइंड होल कहने का अर्थ, इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं अंधा होल, अंधा होल कहने का अर्थ यह कि ये आर पार क्या हो सकता है, ये आप लोग देखिएगा ब्लाइंड होल क्या होता है, ये आर पार छिद्र क्या होता है नहीं होता, आर पार छिद्र नहीं होता, आर पार छिद्र नहीं होने का कहने का अर्थ है कि ये ड्रिल क्या होगा आर पार एक दूसरे मतलब पूरा होल नहीं करेगा, ये क्या होगा आधे आधे गहराई में होल करेगा। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं ब्लाइंड होल कहते हैं। ठीक है, तो पहले आते हैं ड्रिलिंग में क्या होता है, ड्रिलिंग में ऑपरेशन में पहले हम क्या कर सकते हैं आर पार भी होल कर सकते हैं और या नहीं तो हम क्या कर सकते हैं ब्लाइंड होल भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा आता है काउंटर सिंकिंग के बारे में। देखिएगा आप लोग काउंटर सिंकिंग के बारे में बता दे रहे हैं आपको, काउंटर सिंकिंग का उपयोग कहाँ होता है, क्यों किया जाता है, ये देखिए हमारा, ये हमारा मान लीजिए ये क्या है हमारा एक जॉब का पीस है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है फिनिशिंग ला के इसको दो पार्टों को जोड़ना अगर होगा तो हमें अगर जोड़ना होता है तो नट बोल्टों की सहायता से जोड़ते हैं, तो कुछ इस प्रकार से क्या होता है ये मान लीजिए हमारा क्या है मेटल। ठीक है, ये बोल्ट हो गया, ये सेंटर लाइन, तो ये इसमें क्या होता है कि काउंटर सिंकिंग इसलिए करते हैं ताकि क्या हो काउंटर सिंक हेड स्क्रू जो होता है उसको हम क्या करने के लिए स्थान देने के लिए, यहाँ पे लिखिएगा काउंटर सिंक हेड स्क्रू को स्थान देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, स्थान यहाँ पे लिख दे रहे हैं देने के लिए करते हैं। ठीक है, यानी काउंटर सिंकिंग का क्या हुआ कि काउंटर सिंकिंग हेड स्क्रू जो आता है उसको क्या करने के लिए स्थान देने के लिए उसका प्रयोग काउंटर सिंकिंग टूल का प्रयोग किया जाता है, ये ऑपरेशन इस तरह से होता है। ठीक है, ये एक काउंटर सिंकिंग टूल के द्वारा किया जाता है जो कुछ इस प्रकार से, उसमें क्या होता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, उसको काउंटर सिंकिंग टूल जो होता है वो मल्टी पॉइंट होता है क्योंकि उसमें क्या होता है बहुत सारे एज बने होते हैं। आगे हमारा आता है कि काउंटर बोरिंग कुछ इस प्रकार से इसी तरह से होता है। देखिएगा आप लोग, मान लीजिए हमारा क्या है यहाँ पे, ये देखिए मिटा दे रहे हैं, इसमें जॉब है, अगर हम इसमें क्या होता है इसमें काउंटर सिंकिंग कहने का तो कि हेड को क्या करने के लिए छिपाने के लिए, और इसमें होता है ये भी देख लीजिए आप लोग, ये इस तरह से होता है काउंटर हेड, ये समझ लीजिए काउंटर बोरिंग टूल, ये जो क्या होता है हेड स्क्रू को स्थान देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है काउंटर बोरिंग का, ये इसमें एक काउंटर बोरिंग टूल आता है जिसमें क्या होता है यानी ऊपरी सरफेस से लेकर कुछ गहराई तक को क्या कर दिया जाता है बड़ा कर दिया जाता है। सबसे पहले तो ड्रिलिंग करेंगे ताकि ये क्या हो पूरे आर पार होल हो, और उसके ऊपरी सिरे यानी सिरे कहने का अर्थ हुआ कि अधिक गहराई में थोड़ा सा गहराई में क्या कर दिया जाता है
इसके आगे वाले भाग को बड़ा कर दिया जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं काउंटर बोरिंग। ये काउंटर बोरिंग एक टूल आता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं काउंटर बोरिंग ऑपरेशन करते हैं। क्या होता है इसमें हेड स्क्रू को स्थान देने के लिए इसका प्रयोग आता है। आगे हमारा आता है स्पॉट फेसिंग के बारे में। स्पॉट फेसिंग, स्पॉट कहने का मतलब ऊपरी सतह को क्या करने के लिए, फेसिंग यानी सतह को, सरफेस को क्या करने के लिए, साफ करने के लिए एक तरह समझ लीजिए, ताकि उसमें क्या हो। ये मान लीजिए ये क्या होता है, ये जॉब है हमारा, ये ऊपर का सतह अगर क्या है प्लेन नहीं है तो उसको क्या करेंगे स्पॉट फेसिंग कर देंगे, ताकि उसमें क्या हो सही से जॉब हमारे क्या हो सके बैठ सके। यानी स्पॉट फेसिंग कहने का तो ये कि उसमें ऊपरी सतह पे क्या हो प्लेन कर देते हैं उसको, स्पॉट फेसिंग टूल आता है जिसकी मदद से हम उसको क्या करते हैं उसको सरफेस को सही कर देते हैं। ठीक है, ये इस तरह से होता है, ये जो हमारा जॉब है ये हम लोग देख लिया स्पॉट फेसिंग में। आगे हमारा आता है टैपिंग के बारे में। ये देखिएगा आप लोग टैपिंग, टैपिंग क्या होता है तो सबसे पहले ये देखिएगा टैपिंग क्या होता है। सबसे पहले मान लीजिए हमारा क्या है टैपिंग कहने का थी, इसमें क्या किया जाता है चूड़ी काटा जाता है टैप की मदद से। यानी टैपिंग कहने का अंदरूनी अगर हमें क्या करना होगा अंदरूनी चूड़ी काटना होगा, चूड़ी कहने का थोड़ा थ्रेड काटना होगा तो हमें क्या करना होगा टैपिंग करना होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम टैप के बारे में। तो अंदरूनी चूड़ी काटने के लिए टैप का प्रयोग, अब इसमें क्या होता है कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले तो इसमें क्या करते हैं हम होल कर देते हैं। ठीक है, ये इस तरह से होल कर दिए। अब हमें इसमें क्या करना है यहाँ पे चूड़ी काटना है, तो सबसे पहले ड्रिलिंग ऑपरेशन करेंगे फिर इसमें, और इस प्रकार से इसमें टैपिंग टूल आता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं इसमें चूड़ी काटते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है कि टैपिंग में जो होता है वो क्या होता है ड्रिलिंग की अपेक्षा जो टैपिंग क्या होता है बड़ा होगा या छोटा होगा। तो हम ये बता दें कि क्या होता है, ये सबसे पहले तो हम ड्रिल करते हैं और ड्रिल करने के बाद क्या होता है टैप जो चलाते हैं तो होल क्या होता है बड़ा होता है। यानी हमारे कहने का तो है कि ड्रिल जितना एमएम का ड्रिल करेंगे उससे बड़ा हम क्या चलाते हैं उसमें टैप चलाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा टैप चलता है। ठीक है, यानी ये टैपिंग का प्रयोग होगा अंदरूनी चूड़ी को काटने के लिए। आगे हमारा आता है बोरिंग। बोरिंग कुछ इस प्रकार से होता है, ये देखिएगा आप लोग, ये देखिएगा आप लोग बोरिंग, ये मान लीजिए हमारा जॉब है। ठीक है, इसी में क्या किया जाता है कि कुछ गहराई तक इसको क्या कर दिया जाता है बड़ा कर दिया जाता है, इसको कुछ गहराई तक बड़ा कर दिया जाता है। इसी में एक बोरिंग टूल आता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं बोरिंग करते हैं, इसको वर्क पीस में बड़ा कर दिया जाता है। देख लिया इसमें क्या होता है बोरिंग में। लेथ मशीन पे भी बोरिंग टूल आता है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, यानी शाफ्ट का ये देखिएगा, ये मान लीजिए हमारा ये क्या है शाफ्ट है। ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या लगा रहता है, ये मान लीजिए हमारा गोल शाफ्ट है, इसमें क्या करते हैं बोरिंग टूल की मदद से इसके अंदरूनी को होल कर सकते हैं इसमें। ठीक है, आगे हमारा आता है टैप ट्रिपनैनिंग कहते हैं इसको। ट्रिपनैनिंग कहने का अर्थ क्या हुआ कि इसमें क्या होता है ऊपरी सतह पे मान लीजिए ये हमारा जॉब रहा ये। ठीक है, अगर ये जॉब रहा तो उसमें हमें क्या करना है तो ऊपरी सतह पे अगर हमें वाशर के आकार में लगाना है, यानी वाशर को स्थान देने के लिए क्या किया जाता है ट्रिपनिंग का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे अगर मान लीजिए हमें नट बोल्ट की मदद से इसको क्या करना है लॉक करना है तो ऊपर में क्या होगा वाशर लगाना होता है, और वाशर का प्रयोग क्या होता है कि दबाव को क्या किया जाता है वो फैला देता है ताकि उसमें क्या हो विरूपण उत्पन्न हो जॉब में। तो इसमें ये ट्रिपनिंग का उपयोग किया जाता है, ये एक तरह से एक टूल आता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं उसको ट्रिपनिंग टूल आता है जिसकी मदद से हम ऊपरी सतह को हल्का सा क्या कर देते हैं इसको गहराई में काट देते हैं। ठीक है, इसका उपयोग होता है कि वाशर को क्या करने के लिए स्थान देने के लिए ट्रिपनिंग का उपयोग किया जाता है। आगे हमारा आता है रीमिंग के बारे में। रीमिंग क्या होता है, रीमिंग ये होता है कि पहले से ड्रिलिंग ऑपरेशन किया जाता है उस होल को क्या करने के लिए फिनिशिंग में करने के लिए, यानी ये कह सकते हैं हम उस होल को क्या करने के लिए होल को शुद्धता में लाने के लिए। ठीक है, ये सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन है। इसमें क्या होता है रीमिंग एक आता है जो हम आगे बताएंगे आप लोगों को रीमिंग क्या होता है। तो ये यहाँ पे ये जान लीजिए कि रीमिंग ऑपरेशन भी होता है। इसमें क्या क्या होता है कि पहले से किए हुए होल को ड्रिलिंग किए ऑपरेशन को क्या किया जाता है होल को अधिक शुद्धता में बनाया जाता है। ये आप लोग देख लीजिए शुद्धता में लाने के लिए
रिमिंग क्रिया की जाती है, ये आप लोग देख लिए। अब आते हैं, आगे आते हैं हम लोग धातुओं में ड्रिलिंग, यानी ड्रिलिंग जो करते हैं तो क्या होता है, उसमें हीट ज़्यादा जनरेट होता है, और हीट ज़्यादा जनरेट होगा तो क्या होगा, हमारा ड्रिल टूट जाएगा। अगर हमारा ड्रिल टूट ना जाए तो उसमें क्या होगा, उसका जो कटिंग एंगल है वो ख़राब हो जाएगा, या कटिंग एज भी ख़राब हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम उसका कूलेंट का उपयोग करते हैं, ताकि कूलेंट का उपयोग ये होता है कि कूलेंट क्या करता है, उसको उसके कटिंग एज को ठंडा रखता है, ठीक है, और इसका कोई यूज नहीं है। और ये क्या होता है, कूलेंट की मदद से क्या होता है, चिप्स भी हमें उससे बाहर निकल जाता है, इसका दो और काम है। तो देख लेते हैं हम इसमें कि ये जो दिख रहा होगा आप लोगों को धातु नियम, इसमें बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन सा, सबसे पहले तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि कास्ट आयरन में कौन सा प्रयोग करते, और ये होता है ब्रास और ब्रॉन्ज में, ये पूछा जाता है बहुत बार एग्जामों में पूछा भी गया, और ये एल्यूमिनियम के बारे में। तो हम बारी बारी से इसके बारे में देख लेते हैं। तो लिखिएगा आप लोग इसको, एल्यूमिनियम के लिए हमें कौन सा उपयोग करना होता है, तो किरोसिन। किरोसिन आप लोग जानते होंगे, किरोसिन का कहने का थोड़ा कि ये मिट्टी तेल होता है, किरोसिन का उपयोग करते हैं, ये कूलेंट के रूप में किरोसिन का उपयोग किया जाता है एल्यूमिनियम में, ठीक है। आगे हमारा आता है ब्रास और ब्रॉन्ज, ये दोनों, ये देखिएगा आप लोग, ब्रास ब्रॉन्ज और कास्ट आयरन, इस दोनों में ड्राई कहने का जो ये सूखा, इसमें क्या होता है, कोई भी कूलेंट का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। इसमें कौन सा कूलेंट यूज होता है, सूखा, इसमें कोई भी कूलेंट का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। आगे हमारा आता है माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील में जो होता है वो सोल्यूबल ऑयल का उपयोग किया जाता है माइल्ड स्टील में, यानी कटिंग कूलेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, सोल्यूबल ऑयल। आप लोग इसको बहुत, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया था, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो देख लिया माइल्ड स्टील के बारे में, माइल्ड स्टील में होता है जो कूलेंट का सोल्यूबल ऑयल का उपयोग किया जाता है। आगे हमारा आता है हाई कार्बन स्टील में, ठीक है, इसमें भी क्या होता है, सोल्यूबल ऑयल ही उपयोग किया जाता है, सोल्यूबल ऑयल ही इसका इसमें भी उपयोग किया जाता है। आगे हमारा आता है कॉपर, ये कॉपर में भी किसका उपयोग होता है, ये किरोसिन का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि किस धातु में कौन से कूलेंट का उपयोग किया जाता था, ठीक है। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, तो देखते हैं, सबसे पहले देखे हुए थे कि इसमें ड्रिल मशीन में गति का चयन किस किस आधार पर करते हैं। तो पहले हम लोग धातुओं की कठोरता के आधार पर करते हैं, अगर धातु कठोर रहा तो क्या होगा, स्पीड हम क्या होगा, कम रखेंगे, और नर्म रहा तो स्पीड अधिक रख सकते हैं, ठीक है। ड्रिलिंग का व्यास, यानी ड्रिलिंग कहने का व्यास कहने का हुआ कि कम अगर डायमीटर का ड्रिल रहा तो हम क्या करेंगे, उसको स्पीड अधिक रखेंगे, और मोटा अगर रहा, उसके मतलब व्यास ज़्यादा रहा तो उसका स्पीड कम रखेंगे, ठीक है। और आते हैं हम गहराई, अगर हमें अधिक गहराई में होल करना होगा तो क्या होगा, स्पीड हम कम रखेंगे, ठीक है। कम गहराई में अगर करना होगा तो स्पीड अधिक रखेंगे, ठीक है। कूलेंट की व्यवस्था के आधार पर देखे हुए थे, तो हम लोग तो कूलेंट में क्या होगा, कूलेंट अगर रहा तो हम अधिक रख सकते हैं, या धातु के आधार पर हम रख सकते हैं, ठीक है, धातु की कठोरता। आगे पढ़ लिए थे हम लोग, कूलेंट अगर नहीं रहा तो स्पीड हम लोग क्या करेंगे, कम ही रखेंगे, ताकि हमारा टूल सही सलामत रह सके, यानी ड्रिल बिट हमारा क्या हो सके, सही सलामत रह सके। मशीन की दशा, अगर मशीन की दशा सही है, दशा कंडीशन में है मशीन, तो हम क्या करेंगे, इच्छा अनुसार या मेटल के अनुसार हम लोग स्पीड रखेंगे, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, हम स्पीड में उतना स्पीड नहीं करके कम स्पीड पर काम कर लेंगे, ठीक है। हम लोग पढ़ लिए हुए थे ड्रिलिंग मशीन में ऑपरेशन देखे थे, पहला था ड्रिलिंग, ये साधन होता है, इसमें क्या किया जाता है, तो कौन ब्लाइंड होल या नहीं तो सिलेंड्रिकल होल कर सकते हैं, ठीक है। आगे हमारा आता है काउंटर सिंकिंग में, तो काउंटर सिंकिंग में क्या होता है कि एक काउंटर सिंकिंग जो स्क्रू आता है उसको स्थान देने के लिए काउंटर सिंकिंग आता है, ये ऑपरेशन होता है जो काउंटर सिंकिंग टूल के द्वारा किया जाता था, ये देख लिए थे हम लोग। अब आगे देख लिए थे काउंटर बोरिंग के बारे में, ये काउंटर बोरिंग क्या होता है, तो ये इस तरह से होता था, हम लोग बताए थे आप लोगों को, ये इस तरह से होता है, यहाँ पे देखे हुए थे आप लोग इस तरह से। आगे हमारा आता है स्पॉट फेसिंग के बारे में, तो स्पॉट फेसिंग क्या होता है कि अत्यधिक शुद्ध यानी ऊपरी सतह को क्या करने के लिए, फिनिश करने के लिए स्पॉट फेसिंग, ये स्पॉट फेसिंग टूल आता है जिसकी मदद से हम लोग करते थे।
आगे हम लोग देखे हुए थे ट्रिप टैपिंग के बारे में। टैपिंग क्या होता है, अंदरूनी चूड़ियाँ काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो आगे के इसी पे हम क्या करेंगे और बारी बारी से इसी के बारे में काउंटर सिंकिंग के बारे में या काउंटर बोरिंग के बारे में बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो देखें आगे हम लोग देख लेते हैं बोरिंग के बारे में, जो काउंटर बोरिंग बोरिंग क्या होता है, तो उसमें क्या कर लेते हैं हेड स्क्रू को स्थान देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ट्रिप पैनिंग के बारे में देख लेते हैं, क्या होता है वाशर को स्थान देने के लिए, यानी वाशर को क्या करने के लिए उसके नट बोल्ट के साथ में लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये एक ट्रिपनिंग टूल आता है जिसकी मदद से हम उसको करते हैं, ठीक है। रीमिंग देखे तो कि होल की शुद्धता में लाने के लिए इसका उपयोग करते थे। ये सारे ऑपरेशन के बारे में देख लिया। अब आगे देख लिए थे धातुओं में कूलेंट के आधार पर, यानी कौन से धातु में कौन से कूलेंट उपयोग करते थे, तो एल्युमिनियम किरोसिन का उपयोग किया जाता था, ब्रास और ब्रॉन्ज में सूखा का, माइल्ड स्टील में सोल्यूबल ऑयल के बारे में दिखाए थे आप लोगों को, और हाई कार्बन स्टील में सोल्यूबल ऑयल लगता है इसमें भी, और कॉपर में किरोसिन। किरोसिन करने के बाद मिट्टी का तेल का उपयोग करते हैं कूलेंट के रूप में, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग इसके बाद, यानी इससे जो जानकारी मिली आप लोगों को सटीक लगी हो। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।